हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं दो वीडियो आ चुकी है जाके देख लीजिएगा इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार ऐसे स्टॉक से रिलेटेड जो यहां पर ब्रेकआउट पे खड़े हुए और याद रखिए जब ब्रेकआउट पे या ब्रेक पे खड़े होते हैं तो वहां पर क्या किया जाता है वहां पर किया जाता है इंटरडे ओके जब डे ट्रेडिंग की जाती है इंटरडे किया जाता है तो उसके कुछ टिप्स भी होते हैं कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है कहाँ पर आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है वो सारी की सारी चीजें मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा तो हम यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ेंगे उन पर्टिकुलर शेयर के नाम लेंगे बातें करेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़ू रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉर अवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन को हिट ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके कमेंट करिए जितना आप लाइक करेंगे उतनी बेहतरीन वीडियो हम यहाँ बनाएंगे

अगर हम यहां पर देखें बहुत सारे स्टॉक्स ब्रेक, ब्रेक डाउन करते हुए दिखाई देते हैं कुछ स्टॉक्स ब्रेकआउट करते हुए दिखाई देते हैं तो हम सारे स्टॉक्स यहाँ पर लेके आएंगे सबसे पहले यहाँ पर एक स्टॉक्स जो आज की डेट में लगभग दस परसेंट भागा है। जिसका नाम है टालबोस इसकी हम बात करेंगे ओके यहाँ पर देखिए ऑटो तो अगर हम यहाँ पर निफ्टी ऑटो देखेंगे तो आपको पता चलेगा निफ्टी ऑटो में किस तरीके से आज एक तेजी होती हुई दिखाई दी ओके और मैंने कल इस वीडियो में बताया निफ्टी ऑटो में कल क्या हो सकता है तो जाके देख लीजिएगा ओके और इसी जब यहाँ पर तेजी हो रही है तो इसके स्टॉक्स में भी तेजी हो रही है और कुछ स्टॉक्स ब्रेकआउट पे खड़े हुए हैं जिनमें से टॉल एक न, पहले नंबर पे है ऑलरेडी इसमें ब्रेकआउट हो चुका है

Okay, मैंने आपको बताया कि किस तरीके की कैंडल में यहां पर आ, आ, तेजी हो सकती है तो उनमें से अगर कोई भी कैंडल कल यहाँ पर पांच मिनट के चार्ट पे जब यहाँ पर पांच मिनट का चार्ट आप जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे ओके okay, कि यहाँ पर कुछ ऐसी कैंडल बन रही है जो यहाँ पर हैमर बन रहा है या फिर इन्वर्टेड हैमर बन रहा है तो यहाँ पर और, और दो चार कैंडल्स और उसके हिसाब से आप यहाँ पर ट्रेड लेंगे तो याद रखिए एक आपको क्या मिलता हुआ नजर आएगा यहाँ पर अच्छे खास पैसे बनते हुए नजर आएंगे तो यहाँ पर इस चीज का आपको ध्यान रखना है कैंडल यहाँ पर देखनी है कंफर्मेशन देखना है कि यहाँ पर किस तरीके से ये शेयर ऊपर जा सकता है तो अगर ये यह यहाँ से इसने आज खुद का अपना हाई तोड़ा सबसे पहले हाई तोड़ना बहुत जरूरी है अगर इसने अपना हाई तोड़ा तो याद रखिए यह या हाई कौन सा होगा हाई होगा चार रुपए का 491 का जो इसने आज बनाया था इसका हाई तोड़ा तब आपको क्या करनी है इस लेवल पर फिर आपको यहाँ पर एंट्री करनी है अगर हाई तोड़ता है और कंफर्म करता है कि हाँ भाई आपको यहाँ पर बाइंग करनी है तो यहाँ पर आप एंट्री लेंगे एंट्री लेके याद रखिए क्या करना है एक डैम होता है डैम किसे कहते हैं डेली देल, एवरेज मूव डेली एवरेज मूवमेंट नाम की चीज होती है ओके यहाँ पर अः उस चीज को यहाँ पर आ, देखेंगे तो आपको पैसा बनेगा क्या होता है इसमें इसमें ये होता है बहुत सारी कैंडल्स होती है उसका एक एवरेज निकाला जाता है ओके वो मैं अपनी वीडियो में समझाऊंगा जस्ट हिंट मैं आपको दे रहा हूं तो यहाँ पर इस चीज को आपको ध्यान में रखे उस हिसाब से आपको काम करना और जो ये लाइन खींच रखी है ना ये खींच रखी है मैंने एक सीक्रेट ट्रेंड लाइन होती है उसके बेसिस पे तो याद रखिए अगर ये शेयर ऊपर जाता है तो इसके लिए रजिस्ट्रेंस सामने ही खड़ा हुआ है 511 तो आप अगर सोच रहे हैं इंट्राडे में आपको सौ रुपए का टारगेट मिलेगा तो सौ रुपए का टारगेट के लिए सौ रुपए उस तरीके का स्टॉक्स भी होना चाहिए तो यहाँ पर स्टॉक्स कितने रुपए का है चार सौ रुपए का स्टॉक्स है तो चार सौ रुपए के स्टॉक्स में अगर मैं यहाँ पर एक एवरेज की बात करूं तो कितना यहाँ पर एवरेज आता हुआ दिखाई देता है

पहले दो चार पांच रुपए पांच रुपए तक का या दस रुपए तक का स्टॉप लॉस रखना ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखना तो टाल ब्रोज पहला स्टॉक है इसको अपनी रेडार पर रख लीजिए इसके अलावा जब बात कर रहे हैं ऑटो की तो एक ऑटो तो स्टॉक आता हुआ दिखाई देता है महिंद्रा सी ये स्टॉक्स भी आज ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दिया लगभग आठ परसेंट यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया है तो इसमें भी क्या है इसमें भी और भी आगे ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे सकता है अगर इसका हाई कल की डेट में टूटता है 244 का तो ये यह आपको यहाँ पर एंट्री लेने का मौका मिलेगा बट याद रखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर फंस जाते हैं क्यों फंस जाते हैं जस्ट बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज बहुत सारी चीजें बताई नहीं जाती तो कंफर्मेशन कंफर्मेशन क्या होती है कंफर्मेशन होती है सिंपल कैंडल्स और दो चार चीजें और तो कैंडल आपको देखनी है कि कैंडल कुछ ऐसी बन रही है ये सब इधर की यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं कोई हैमर वैमर बन रहा है कि नहीं बन रहा तो ये सब चीज देख के यहाँ पर आपको एंट्री लेनी है और आप एंट्री लेंगे याद रखिए तेजी होगी पर दो सा, सा, सामने खड़ा दो है 248 का as well as, आ, ये दिया तो याद रखिए चीजें और बेहतर बनती हुई नजर आएगी और तीन सौ रुपए तक का यहाँ पर लेवल आता हुआ दिखाई दे सकता है तो ये पर्टिकुलर शेयर की तरफ आपको क्या करना है ध्यान देना है और स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस अगेन यहाँ पर याद रखिए गिरावट हुई तो दो तक यहाँ पर टिक सकता है ओके okay, तो क्यों इसने रेजिस्टेंस को यहाँ पर क्रॉस किया अब ये सपोर्ट बन गया तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसलिए सिखाया था कि आप तो यहाँ पर सीख सके रेजिस्टेंस पे आके टच करके चुपचाप आ जाएगा सपोर्ट पे यहाँ पर रुक जाएगा अगर तोड़ देता है सपोर्ट तो याद रखिए फिर एक गिरावट होती हुई नजर आएगी तो यहाँ पर सारी की सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है अब बात करते हैं एक और स्टॉक की जिसका नाम है हिंडालको ओके हिंडालको की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर देखिए अच्छी खासी गिरावट हुई ओके okay, मेटल में मैं आपको बता चुका हूँ थोड़ी बहुत भाग सकते हैं ज्यादा यहाँ पर भाग भागे या ना भागे कुछ भी नहीं कहा जा सकता और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है डबल टॉप का डबल टॉप जब भी यहाँ पर क्रॉस करेगा कुछ ऐसा कंफर्मेशन दे दे कुछ ऐसी कैंडल बना दे जो यहाँ पर बुलिश कैंडल हो तो याद रखिए एंट्री लेनी है एंट्री लेने के बाद यहाँ का ही स्टॉप लॉस रखना है एंट्री लेने के बाद उसी कैंडल का लो और यहाँ पर हम बात करें तो ऊपर के लेवल पे तीन तक ये शेयर जाने की काबिलियत रखता है ओके ऑन द बेसिस ऑफ डैम जो मैंने आपको सिखाया डेली एवरेज मूवमेंट ओके उसके बेसिस पे आपको क्या करना है उसके बेसिस पे एंट्री लेनी है ओके और उतना ही आपको टारगेट रखना है टारगेट के लिए डैम आई यूज होता है टारगेट के लिए क्या यूज होता है डैम और यहाँ पर ऊपर

यहाँ पर बताया ब्रेकआउट यहाँ पर एक शेयर बताता हूँ ब्रेकडाउन जहां पर कल आप सेल करके पैसा कमा सकते हैं ओके okay? और बाइंग भी आ सकती है इस शेयर को भी याद रखिएगा बट मोस्ट प्रोबेबली सेलिंग हो सकती है क्यों हो सकती है उससे सेल्टी में बातें करूंगा तो यहाँ पर हम बात करते हैं पेटीएम की सबसे पहले ट्रिपल टॉप बन रहा है एक दो और तीन अगर इसने ये जो इसका आज का हाई है सात का लेवल ओके okay, सात का लेवल ओके okay, इसे निकाल देता है इसे क्रॉस कर देता है तो ये शेयर भागता हुआ नजर आ सकता है और कहां तक भाग सकता है फिर यह शेयर यहाँ पर आपको सात सौ छिहत्तर सात सौ एक मिनट तो सात सौ चौहत्तर सात सौ पिछहत्तर तक के यहाँ पर टारगेट आ सकते हैं एक ही दिन के अंदर अंदर इतना अच्छा खासा आपका पैसा बन सकता है तो लगभग कितना दस परसेंट का यहाँ पर होगा टारगेट पूरा का पूरा ओके बट आपको डेली एवरेज मूवमेंट के हिसाब से ही टारगेट लेना होता है इंटरडे में कभी भी इस हिसाब से टारगेट नहीं लेते तो अगर हम बात करें अगर इसे तोड़ देता है तब बट यहाँ पर कैंडल यहां पर क्या है ये ये है रजिस्टेंस

ओके सात सौ एक को तोड़ देता है और कंफर्मेशन दे देता है पांच मिनट के चार्ट पैटर्न पे देखना है ये सब चीज पांच मिनट या पंद्रह मिनट के चार्ट पे देखना है कि यहाँ पर क्या कर रहा है ओके okay, अगर यहाँ पर कुछ कंफर्मेशन दे देता है नीचे के लेवल पे कि हाँ भाई यहाँ पर खरीद लो यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाता है तो यहाँ पर आप टारगेट उसके बेसिस पे यहाँ पर डिसाइड करके ओके okay, डैम के बेसिस पे डिसाइड करके अच्छा खासा पैसा यहाँ पर कमा सकते हैं एक दिन के अंदर अंदर तो यहाँ पर शायद ये शेयर फिर 680 का लेवल ओके okay, या फिर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ छह तक के लेवल को दिखा सकता है तो इसी हिसाब से अगर आप यहाँ पर आगे भी कर रहे हैं तो उस टाइम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसमें भी दूसरे स्टॉक्स में भी आपको खेलना है अगर आपको ज्यादा टारगेट के लिए जाना है तो बट डिपेंड करता है मार्केट के मूड पे बट यहाँ पर जिस तरीके की कैंडल बन रही है यहां बनी थी गिरावट हुई थी यहाँ बनी थी गिरावट हुई थी यहाँ बन रही है तो मोस्ट प्रोबेबली गिरावट हो सकती है और पेटीएम इतनी जल्दी ऊपर जाए ओके तो ये ऐसा कुछ नहीं है लोग आपको बेबकूफ बना सकते हैं इस चीज़ को समझ तो समझ में आपको समझ में आपको चीजें लेनी होगी कि किस तरीके से आप यहाँ पर डेली बेसिस पे काम कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर सेलिंग की राय दूंगा अगर ये अपना लो तोड़ता है तो याद रखिएगा क्यों क्योंकि कुछ दिनों में शायद चीजें नीचे आ सकती है और इसका हाई तोड़ दिया तो याद रखिए फिर और ऊपर की तेजी हो सकती है ये और फिर उसके बाद सीधे लेवल यहाँ पर आठ का है तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियरवाइजर खुद की स्टडी करनी है और इंटर के बेसिस पे स्टॉक बताया गया है बट अपने फाइनेंशियरवाइजर खुद की स्टडी अपना दिमाग लगा के सब कुछ यहाँ पर करना है वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा कमेंट करिएगा शेयर करिएगा इन्वेस्ट फॉर चैनल को जितना हो सके प्यार दीजिएगा सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस